होटल रेस्टोरेंट ढाबा में हम सभी येलो दाल तड़का, येलो दाल ऑर्डर करते ही करते हैं, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। वहाँ का स्वाद आप घर में बनाना चाहें तो भी नहीं आता है, बट आज की रेसिपी में मैं आपको इतने सारे टिप्स दूंगी ना कि आपकी दाल बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी टेस्टी बनेगी। जो हम वहाँ की येलो दाल तड़का खाते हैं, दाल फ्राई खाते हैं, वो ही टेस्ट आपको घर में आएगा। आप देख के ही समझ रहे होंगे कितनी टेस्टी बनती है ये। तो एक बार रेसिपी को पूरा देखिएगा, आपको सारे सीक्रेट पता चलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपालीज किचन कुकिंग एंड बेकिंग। और मैं हूँ रूपाली, और मेरे साथ मिलकर बनाते हैं ये मजेदार सी रेसिपी को। बट उससे पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दाल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ली है आधा कटोरी तुअर दाल, अरहर दाल जिसे आप बोलते हैं, और आधा कटोरी ही हमने लिए यहाँ पे मूंग दाल। तो जब भी आप होटल में येलो दाल ऑर्डर करते हैं ना, वो लोग मूंग दाल ज़रूर इसमें ऐड करते हैं, तब भी उनका स्वाद जो है ना बहुत अलग आता है। तो ये सबसे पहला टिप आप याद रखिए। दोनों हाफ हाफ कटोरी मैंने ले लिया इस कटोरी से, और इस कटोरी से मेरी एक कटोरी दाल हो गई है। तो मैंने इसमें 3 से 4 कटोरी पानी डालना है, इससे ज़्यादा आप मत डालिएगा। इसमें मैंने 1 स्पून भर के घी डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है 1 स्पून, और साथ में ही इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। अगर आप इस स्टेज पे कुछ और मसाले डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें चुटकी भर हींग। इतनी चीज़ें डालने के बाद हमें इसे अच्छे से कुकर को बंद करके 2 सीटियाँ लेना है, और लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है। तो दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए बढ़िया दाल अच्छी से घुल के पक के तैयार हो गई है। तो हमें दाल खड़ी नहीं होनी चाहिए, हमारी दाल अच्छे तरीके से पकनी चाहिए। चलिए अब बनाते हैं तड़का। तो तड़का बनाने के लिए मैंने एक पैन में डाला है घी। तो आपको देसी घी या बटर ही यूज़ करना है। फिर थर्ड ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है तो ही आप ऑयल यूज़ करिए, अदरवाइज देसी घी और बटर में जो स्वाद आता है ना, वो दाल अलग ही होती है। 1 स्पून भर के मैंने इसमें डाला है जीरा, और साथ में फाइनली चॉप्ड ऑनियन। 2 ऑनियन को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है फाइनली, और अब हम इसे अच्छे से पिंकिश कलर होने तक भून लेंगे। तो देसी घी से जो दाल का स्वाद आता है ना, वो ही सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो आप घर का या बाहर का कोई भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और साथ में 1 स्पून फाइनली चॉप्ड करके गार्लिक डाला है। तो ये आप टोटली ऑप्शनल है, अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, बट जिंजर ज़रूर डालिएगा आप। तो फिर मैंने इसको भी अच्छे से भून लिया है। प्याज देखिए हमारी कितनी अच्छी ब्राउन कलर में हो गई है। अब हमने डाला है 1 स्पून से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, क्योंकि हमने दाल में भी हल्दी पाउडर ऐड किया है, और 1/2 स्पून धनिया पाउडर डाला है, और साथ ही में डाली है देगी लाल मिर्च। तो 1/2 से 1 स्पून आप देगी लाल मिर्च भी इसमें डाल लीजिए। इन्हें हम 2 से 3 मिनट या 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से सौते कर लेंगे लो फ्लेम पर, मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 टमाटर जिसे मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है, अच्छे बारीक चॉप टमाटर ही डालिएगा। और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे, और भूनते हुए इसे हमें ढाक कर पकाना है। तो देखिए मैं टमाटर को ढाक कर पका रही हूँ। देखिए अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, तो पहले हम टमाटर को लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सा घी रिलीज़ नहीं कर लेता है, टमाटर हमारे अच्छे से पकने शुरू नहीं हो जाते हैं। तो देखिए टमाटर काफ़ी हद तक पक चुके हैं, 60 से 70% टमाटर हमारे बन गए हैं। तब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। तो मैंने ऑलरेडी दाल में बॉईल करते समय नमक डाला है, तो इस स्टेज पे मैं थोड़ा कम नमक डाल रही हूँ तड़के के अकॉर्डिंगली। तो मैंने 1/2 स्पून नमक डालकर इसे फिर से 2 मिनट के लिए ढककर पकाया है। टमाटर हमारे काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं, और अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कसूरी मेथी। तो 1 स्पून कसूरी मेथी को हल्के हाथों से क्रश करके आप डालिए, और साथ में डाला है मुट्ठी भर धनिया, और डाली है 2 हरी मिर्च जिसे मैंने अच्छे से लंबा काट कर डाला है। आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं, चॉइस बिल्कुल आपकी है। और इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट तक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे दाल जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी। तो देखिए इस तरीके से होटल वाले जो है ना दाल बॉईल करके रखते हैं, और जब भी ऑर्डर आता है तो तड़का बना के इंस्टेंट उसे सर्व करते हैं।
तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि दाल हमारी काफ़ी थिक है, तो दाल में हम इस स्टेज पे डाल सकते हैं आप एकदम बॉइल्ड करके गर्म पानी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है, मैं दाल को बहुत पतला नहीं करना है क्योंकि हम आज बना रहे हैं बिल्कुल होटल स्टाइल ढाबा स्टाइल येलो दाल, तो वहाँ की दाल आपने खाई होगी काफ़ी थिक होती है, तो इसलिए दाल की थिकनेस बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने बहुत एक कटोरी कम ही पानी इसमें ऐड किया है। अब हम इसके लिए बनाते हैं तड़का जब तक हमारी दाल लो फ्लेम पर पक रही है। तो हमने तड़का पैन में घी गरम किया है, एक स्पून भर के जीरा डाल लिया है इसमें और साथ में हमने डाला है चॉप्ड गार्लिक। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब भी आप बाहर जैसी दाल खाना चाहते हैं तो उसमें तड़के के ऊपर आप गार्लिक ज़रूर डालिए, तभी आपकी दाल का टेस्ट ना बहुत अच्छा आएगा बिल्कुल होटल के स्टाइल। तो इसमें मैंने एक स्पून भर के देगी लाल मिर्च भी डाल ली है, ये कलर के लिए है। अगर आप तीखा करना चाहते हैं तो तीखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इसे हम एक सेकंड के लिए अच्छे से भुनने देंगे, हमारा मसाला जलना नहीं चाहिए। और ये है हमारे सूखे हुए धनिया, तो इसको हल्के से 1/4 स्पून की धनिया है मैंने इसे हाथों से क्रश करके डाल लिया, ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे दाल में टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। कभी आपने खाया होगा बाहर तो आते हैं धनिया का टेस्ट, आप एक बार मेरे कहने पर ये ज़रूर ऐड करिए, आपको बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट आएगा। अब इसे हम पका लेंगे और इसमें 1 से 2 स्पून मैंने पानी डाला है तड़के में, और अब ये तड़का बिल्कुल उबल के तैयार हो गया है। हम दाल भी चेक कर लेते हैं, दाल हमारी कितनी बढ़िया तरीके से बॉईल हो चुकी है, और दाल बीच बीच में आप चलाते रहें अदरवाइज ये नीचे से जल जाएगी। अब इसके ऊपर मैं तड़का डाल लेती हूँ और बहुत अच्छी खुशबू पूरे घर में आ रही है दाल की। इसे ढाँक देंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए ताकि तड़के की स्मेल जो है दाल के अंदर ही होनी चाहिए। और ये देखिए हमारी परफेक्ट एकदम होटल ढाबा स्टाइल येलो दाल फ्राई बनके तैयार है, दिख रही है ना एकदम टेस्टी, और है ना बहुत आसान सी रेसिपी। तो एक बार इस तरीके से बनाइए आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इसे हम फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो इसे मैं आज बिल्कुल होटल स्टाइल कढ़ाई में सर्व कर रही हूँ, लुक बहुत अच्छा आता है इसे, और ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तड़का, मैंने बचा के रखा हुआ था। तो इस तरीके से जब भी आप गेस्ट आएँ तो दाल बनाकर सर्व करिए, कोई भी आप पहचान नहीं पाएगा कि आपने दाल ये घर में बनाई है, एकदम बाहर रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आएगा। और इसको और अच्छा लुक देने के लिए मैंने टमाटर को चॉप करके इस तरीके से ऊपर गार्निश कर दिया है, साथ में धनिया और हरी मिर्च से गार्निश कर दिया है। तो अब तो ये बिल्कुल होटल वाली बनके तैयार हो चुकी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।